नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डॉट इन मूवी मसाला। मैं हूं पुनीत पाराशर। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म स्त्री का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जो कि आपने देखा ही होगा। और अब इस फिल्म का पहला गाना मिलेगी मिलेगी भी रिलीज कर दिया गया है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक हैं अमर कौशिक, और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि वास्तविक घटना पर आधारित है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो क्या इंसिडेंट था जिस पे बेस्ड ये फिल्म है, पीछे की कहानी क्या है, किन चीजों से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है। कुछ भी हो जाए, पलटना मत। जिन लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देखा है वो इतना तो समझ गए हैं कि फिल्म की कहानी एक ऐसी डायन के बारे में है जो लोगों को गायब कर देती है। तो आपको बता दें कि ऐसी घटना वास्तव में हुई थी। असल में कर्नाटक के बेंगलुरु में अचानक लोगों का गायब होना शुरू हो गया था, और उसके बाद में ऐसी खबरें उड़ी कि कोई चुड़ैल है जो लोगों को गायब कर रही है। ये चुड़ैल लोगों को पीछे से उनके किसी जान पहचान के शख्स की आवाज़ में बुलाती है, और जब वो पलट के उसकी तरफ देखते हैं तो उनको अपने साथ ले जाती है या गायब कर देती है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आईं कि ये डायन लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटाती है, और यदि वो शख्स दरवाज़ा खोल देता है तो ये उसे अपने साथ ले जाती है। इस डायन के खौफ से लोगों ने अपने घरों के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब होता है कल आना। इसके साथ ही कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर ओ स्त्री रिपुरे लिखना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब होता है ओ स्त्री कल आना। और इसी चीज़ का जिक्र फिल्म के ट्रेलर में किया गया है। कर्नाटक के बाद इस तरीके की घटनाएं तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी सामने आई। बिहार में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी, जहां पे लोग गायब होने लग गए थे, जिसके बाद में लोगों ने अपने घरों के बाहर हाथों के छापे लगाना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से ये चुड़ैल घर के बाहर से ही वापस लौट जाती है। ये वो दौर था जब लोगों में बहुत भारी दहशत फैल गई थी। शाम को अंधेरा होते ही लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई कि ऐसी कोई चुड़ैल वास्तव में थी या नहीं थी। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म में राजकुमार राव एक दर्जी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी चंदेरी नाम के एक कस्बे में बुनी गई है। राजकुमार राव के अलावा बात करें अगर हम श्रद्धा कपूर की, तो ऐसा बताया जा रहा है अभी तक की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कि श्रद्धा कपूर ही इस फिल्म में स्त्री का किरदार निभा रही हैं। हालांकि ट्रेलर में दिखाई गई जानकारी के मुताबिक उनका कैरेक्टर मिस्टीरियस है। बात करें फिल्म के ट्रेलर और इसके गाने के बारे में, तो फिल्म का ट्रेलर अब तक यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म का गाना मिलेगी मिलेगी, जिसको गाया है मीका सिंह ने, इसे भी YouTube पर काफ़ी ज़्यादा हिट्स मिले हैं, और देखते ही देखते ये भी YouTube पर वायरल होना शुरू हो गया। कई जगहों पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, और ये बॉलीवुड की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। तो हम आपको बता दें कि स्त्री बॉलीवुड की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है। इससे पहले साल 2007 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था भूल भुलैया, ये भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। हालांकि ऐसा ज़रूर है कि स्त्री पहली ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है।